सभी दर्शकों को मैं सतीश अग्रवाल अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, हमारी नियमित स्वास्थ्य विषय श्रृंखला हेल्थ केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला के तहत हम अपनी स्वास्थ्य विषय समस्या को लेकर उससे संबंधित विशेषज्ञों को बुलाकर उनका मार्गदर्शन हासिल करते हैं। इसी कार्यक्रम के द्वारा हम हमारे शहर की कुछ जानी मानी हस्तियों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। साथ ही हमारा ये प्रयास होता है कि जिस तरह से विज्ञान प्रगति कर रहा है, कुछ आधुनिक तकनीक और उनके जो एक्सपर्ट और उनकी सेवाएं हमारे शहर में उपलब्ध हैं, हम हमारे दर्शकों को ये जानकारी उन तक पहुँचाए। मित्रों, सुनने में एक बहुत ही भयानक और भयावह चीज़ होती है, पथरी स्टोन। और कल्पना कीजिए कि अगर ये शरीर के किसी भाग में है और उस भाग को अगर वो ब्लॉक कर दे रही है, वहाँ पर रुकावट कर दे रही है, तो कितनी भयानक वेदना या पीड़ा होगी। ये पथरी या स्टोन, चाहे वो गॉल ब्लैडर में हो या मूत्र मार्ग में किसी भी जगह पर स्थित हो, अटक जाए तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। आज हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि मूत्र मार्ग यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में पथरी से संबंधित समस्या को लेकर हमारे बीच जो विशेषज्ञ हैं, वो अमरावती के जाने माने यूरोसर्जन डॉक्टर विक्रम जी देशमुख हैं। डॉक्टर विक्रम जी, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर विक्रम जी का मैं परिचय करा दूं। इन्होंने अपने अंडरग्रेड की पढ़ाई अमरावती स्थित पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज से की और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएस की पढ़ाई भारतीय विद्यापीठ पुणे से की। यूरोलॉजी यानी मूत्र मार्ग संबंधी स्पेशलाइजेशन, उसमें भी डीएनबी एंड डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड जैसी प्रतिष्ठित डिग्री इन्होंने हासिल की है। वर्तमान में ये अमरावती स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं और वॉलकट कंपाउंड स्थित दवाखाने में मरीजों को अपनी सेवाएं देते हैं। डॉक्टर विक्रम जी, हम विषय पर आते हैं जी। और जिस तरह से परिचय में उल्लेख हुआ है कि शरीर में अगर कहीं पथरी हो तो सुनने में जितना भयानक लगता है, तो निश्चित तौर से पेशेंट को भी ऐसी तकलीफ होती होगी जी। बिल्कुल। तो पेशेंट को ऐसी कौन से लक्षण होते हैं, तकलीफ होती है, जिससे हमें पता चले कि उसको पथरी है? स्टोन का एक जो मेन सिम्टम होता है, जो मेन लक्षण होता है, जनरली पेशेंट पेन के साथ में आता है, दर्द होता है पेशेंट को पेट में। स्टोन कहाँ स्थित है उस पर ये निर्भर होता है कि दर्द कहाँ हो रहा है। अगर वो स्टोन किडनी में है तो पेट का जो फ्लैंक है, मतलब जो ऊपरी भाग है, तो उसमें पेन होता है। अगर स्टोन किडनी के मार्ग में अगर है, मतलब ये शरीर में दो किडनी होती है, वो दोनों किडनी का जो मार्ग होता है उसको अपन यूरेटर बोलते हैं, और ये दोनों यूरेटर ब्लैडर में खुलते हैं, मतलब पेशाब की थैली में खुलते हैं, और नीचे जो ब्लैडर में से जो मार्ग निकलता है उसको अपन यूरेथ्रा बोलते हैं। तो अगर किडनी में स्टोन है तो फ्लैंक, मतलब जो पेट का ऊपरी भाग है, उसमें दर्द होता है। अगर यूरेटर में है तो थोड़ा नीचे साइड में फ्लैंक में दर्द होता है। अगर ब्लैडर में स्टोन है तो पेशाब करने में पेशेंट को दर्द होता है, कभी कभी खून जा सकता है, कभी कभी पेशाब रुक सकती है, उसको जिसको अपन रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलते हैं। तो स्टोन का लोकेशन पे निर्भर होता है कि पेशेंट को क्या सिम्टम हो रहा है, क्या लक्षण हो रहा है। इसी के साथ में पेशेंट को पेशाब में खून जा सकता है, उसको उल्टी, मचलाहट, ये साथ में ये सब सिम्टम भी आ सकते हैं। अगर उसके साथ में इन्फेक्शन अगर मूत्र मार्ग में हो तो बुखार भी आ सकता है, जो और एक सीरियस सिम्टम है। दर्शकों, जिस मूत्र मार्ग की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जानकारी के लिए कि हमारे शरीर में जिस तरह से डॉक्टर विक्रम जी हमसे कह रहे थे कि दो किडनी होती हैं, इनका मुख्य कार्य ये होता है कि शरीर का हमारा पूरा जो खून होता है, ब्लड होता है, ये दोनों किडनी में जाकर वहाँ पर फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद में जो अच्छा खून होता है बॉडी अपने पास रख लेती है, और जो बचा खुचा होता है, कचरा, जिसे हम वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, ये पेशाब के जरिए बाहर आता है। और जैसा सर ने हमें कहा कि ये किडनी से होते दो यूरेटर जो मूत्र नलिका होती है, उससे होकर पेशाब की थैली यानी ब्लैडर में जमा होता है और यूरेथ्रा से पास होता है। तो पथरी या स्टोन किस जगह पर स्थित है, ये पूरे सिम्टम या लक्षण उस तरह से निश्चित होते जी, हैं बिल्कुल। तो विक्रम जी, फिर ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसे कौन से तत्व हैं कि जिससे
ये किसी व्यक्ति में स्टोन होता है और किसी में नहीं होता है, या मैं पूछूं कि इसके कारण क्या है? जी, ये हर पेशेंट ये सवाल पूछता है। देखिए, स्टोन बनने का मुख्य कारण ये है कि पानी कम पीना। अगर आप पानी कम पी रहे हैं, एक आसान अगर आप मैं उदाहरण दूँ तो बेसिकली अगर आप एक बाउल ले, उसमें पानी ली और अगर आप उसमें नमक ऐड करें तो शुरुआत में नमक पिघल जाता है, लेकिन आप अगर नमक ऐड करते ही गए तो एक बार वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया, उसके ऊपर अगर आप लेवल जा रही है और अब आप अगर फिर नमक ऐड करें तो वो नमक प्रेसिपिटेट होता है, मतलब नीचे बैठ जाता है। उसी तरीके से अगर यूरिन में जो स्टोन बनाने वाले जो क्षार है, जो सॉल्ट्स है, उसकी मात्रा अगर बढ़ जाए, अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो फिर ये सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट होकर उसके स्टोन बनते हैं। इसी का ही आगे एक्सटेंशन में बोलूँगा कि अगर आपको स्टोन प्रिवेंट करना है, मतलब होने से अगर रोकना है, तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। आप अगर पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो स्टोन बनाने वाले जो क्षार है उसकी मात्रा कम रहती है यूरिन में और स्टोन होने से अपन खुद को बचा सकते हैं। तो हम उसका इस तरह समझें कि एक तरफ में जो स्टोन फॉर्म करने का क्षार है, लवण है, सॉल्ट्स हैं वो, और दूसरी तरफ पानी। जी, तो अगर दोनों के बैलेंस में कहीं फर्क हो, चाहे पानी कम हो या सॉल्ट बढ़ जाए, स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो सर, इसी के आगे का जो प्रश्न है कि अगर हम तय करते हैं कि किसी को स्टोन है या नहीं है, तो वो हम कैसे पता लगाते हैं, किस तरह की जांच से हम पता लगाते हैं? जी, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका मुख्य, उसको क्या लक्षण है, मतलब बीमारी के क्या लक्षण है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको अपन हिस्ट्री टेकिंग बोलते हैं। तो पेशेंट को क्या लक्षण है, दर्द हो रहा है तो दर्द फिर किस तरीके का दर्द है, कहाँ पे हो रहा है, कब शुरू हुआ, उसका प्रोग्रेशन कैसा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में उसको और क्या लक्षण है, मतलब उल्टी हो रही है, मसलाहट हो रही है, पेशाब में जलन है या पेशाब में खून जा रहा है या बुखार, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें से हमको एक आइडिया आ जाती है कि अगर पेशेंट को दर्द है तो वो स्टोन की वजह से हो सकता है या नहीं, और यही कंफर्म करने के लिए फिर हम पेशेंट को जांचते हैं, एग्जामिन करते हैं, पेट को हाथ लगा के हम उसको एग्जामिन करते हैं, तो उस पे से भी हमें एक आइडिया मिलती है कि ये पेशेंट का जो दर्द है कि स्टोन की वजह से है, अगर है या नहीं है, क्योंकि पेट के दर्द और भी बहुत कारणों से हो सकता है। और कोई भी पेट का दर्द हो तो इसके लिए फिर आगे कंफर्म करने के लिए कि ये दर्द स्टोन की वजह से है या और कोई कारण है, जानने के लिए सोनोग्राफी और एक्सरे करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मैं एक बोलना चाहूँगा कि जो सोनोग्राफी अगर आप कर रहे हो, मूत्रमार्ग से रिलेटेड कुछ भी अगर कारण के लिए आप सोनोग्राफी अगर हो रही है, तो पेशाब की थैली भरी हुई होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पेशेंट ने बहुत पानी पीना चाहिए और जब उसको पेशाब आई है ऐसा लग रहा है, वो टाइम पर ही सोनोग्राफी करना चाहिए, क्योंकि खाली पेशाब की थैली पर अगर सोनोग्राफी की जाए तो पेशाब की थैली और जो यूरेटर जो है, मतलब किडनी का जो ये मार्ग है, जो इसका जो निचला भाग है, ये फिर सोनोग्राफी में दिखता नहीं है, तो अगर यहाँ स्टोन है तो वो मिस हो जाएगा। और एक्सरे, सोनोग्राफी, ये अपने को एक बार उस पे से ये ध्यान में आ गया कि पेशेंट को स्टोन है या नहीं, तो फिर ये अपने को एक आइडिया, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि पेशेंट को ये जो उसके जो लक्षण है वो स्टोन की वजह से है या नहीं है। अगर है तो फिर स्टोन कहाँ पर स्थित है, उसका साइज़ क्या है, उसके वजह से पेशाब के मार्ग में रुकावट आ रही है क्या, और उसका प्रमाण क्या है, और फिर इस पे आगे का ट्रीटमेंट निर्भर होता है। तो एक बार स्टोन अगर है तो उसकी साइज़ के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट अपन प्लान करते हैं। तो ये सर्जरी, आगे का जो सर्जरी प्लान अगर उसका करना है तो उसके लिए आगे के इन्वेस्टिगेशंस लगते हैं, जिसमें IVP या CT स्कैन अपन करते हैं। तो सर, CT स्कैन तो हमारे दर्शक समझते हैं जी कि एक ही फोटो में अलग अलग लेवल पे काफ़ी एक्सरेज होते हैं। जी बिल्कुल। IVP जिस प्रोसीजर का उल्लेख कर रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी के लिए आप बताएं। जी, IVP बेसिकली एक एक्सरे का ही प्रोसीजर है, लेकिन एक स्पेशल प्रोसीजर है। इसमें बेसिकली आप अगर एक्सरे करें तो एक्सरे में स्टोन दिखता है और हड्डियाँ दिखती है, लेकिन एक्सरे में किडनी का मार्ग, ये मूत्र मार्ग कुछ भी नहीं दिखता है। तो IVP में बेसिकली अपन जो रक्त वाहिनी है उसमें एक मेडिसिन या डाई इंजेक्ट करते हैं, ये डाई ब्लड से किडनी फिल्टर करती है और वो डाई फिर किडनी के मार्ग में उतरता है। तो जिस तरीके से ये कागज़ पे हमको किडनी का मार्ग, पूरा जो मूत्र मार्ग दिख रहा है, इसी तरीके का चित्र हमें फिर एक्सरे पे दिखता है, मतलब किडनी दिखती है, यूरेटर दिखता है
और स्टोन किडनी में कहाँ स्थित है, यूरेटर में कहाँ स्थित है, ये सब जानकारी हमें फिर मिलती है। और सर्जरी प्लान करने के लिए ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे किडनी में एक 8 से 10 कमरे होते हैं। तो कौन से कमरे में स्टोन है, हमको अगर किडनी का दूरबीन का शस्त्रक्रिया करना है तो कोई एक ही कमरे से जनरली अपन एंटर करते हैं किडनी में, तो कौन से कमरे से एंटर करना है, ये सब प्लानिंग ये IVP पे हम करते हैं। दर्शकों, एक बहुत ही आसान तरीके से एक जटिल प्रक्रिया जिसे IP इंट्रावेनस पायलोग्राफी कहते हैं, डॉक्टर विक्रम जी ने हमें बताई है कि इस प्रोसीजर के तहत नस में से डाई यानी दवाई नस में से प्रविष्ट करके शरीर में डालते हैं, जिस तरह से ब्लड में जा रही है और पूरा ब्लड किडनी से जाता है तो किडनी की पूरी संरचना क्लियर होती है। जिस भाग में जहाँ पर अगर पथरी या स्टोन है वहाँ पर डाई नहीं पहुँचेगी, और अगर उसने आगे का रास्ता ब्लॉक करके रखा है, अवरोध है वहाँ पर, तो वो आगे भी नहीं पहुँचेगी। तो जहाँ तक डाई पहुँची वहाँ तक का रास्ता क्लियर है। डॉक्टर विक्रम जी के अनुसार इस तरह से हमें स्टोन की निश्चित पोजीशन क्या है, साइज़ क्या है, आगे होने वाले जो उसमें दुष्परिणाम हो चुके हैं उसकी क्या है लोकेशन, वो हमें निश्चित तौर से पता चलती है। तो न केवल डायग्नोसिस के लिए बल्कि आगे जो ट्रीटमेंट प्लान करना है, खासकर सर्जरी, उसके लिए बहुत ही आवश्यक एक इन्वेस्टिगेशन है। सर, हमने मान लिया कि किसी व्यक्ति में निश्चित हो गया, डायग्नोस हो गया है कि उसे पथरी है जी, तो निश्चित तौर से वो उससे निजात पाना चाहेगा, उससे छुटकारा पाना चाहेगा और आपकी सहायता लगेगी जी। तो ये सहायता आप किस तरीके से करते हैं? तो इसमें ये बेसिकली अपन स्टोन कहाँ स्थित है उस पर ये डिसीजन होता है। अगर स्टोन किडनी में है तो फिर उसका साइज पे अपन ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर स्टोन 1 सेंटीमीटर के नीचे किडनी में अगर है तो फिर उसका लिथोट्रिप्सी ये अपन ट्रीटमेंट करते हैं। लिथोट्रिप्सी बेसिकली एक ऐसा मशीन है जिसमें शॉक वेव्स पेशेंट के बॉडी के बाहर निर्माण होते हैं और वो पेशेंट की बॉडी से ट्रैवल करके स्टोन फोड़ते हैं। लिथोट्रिप्सी बेसिकली जैसे सोनोग्राफी अपन करते हैं, सोनोग्राफी में साउंड वेव इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से लिथोट्रिप्सी में शॉक वेव इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को कुछ एनेस्थीसिया या बधिर करने की ज़रूरी नहीं है। पेशेंट OPD बेस्ड ट्रीटमेंट है, पेशेंट आके ट्रीटमेंट लेके अपने घर तुरंत जा सकता है। अगर स्टोन 2 सेंटीमीटर के ऊपर है तो फिर दूरबीन से शस्त्रक्रिया उसकी ज़रूरी होती है। और स्टोन की साइज 2 सेंटीमीटर के ऊपर कितनी भी हो तो भी ये दूरबीन से अपन क्लियर कर सकते हैं। स्टोन अगर 1 या 2 सेंटीमीटर के बीच में है किडनी में तो फिर कुछ और भी फैक्टर्स अपने को देख के, मतलब साइज छोड़ के और भी कुछ चीज़ें देखनी होती है, उस पर यह तय होता है कि फिर उसकी लिथोट्रिप्सी करनी है या सर्जरी करनी है। ये मैं किडनी स्टोन के बारे में बता रहा हूँ। तो किडनी का जो ये दूरबीन का जो शस्त्रक्रिया है, इसमें हम जो मूत्र मार्ग है मतलब जो यूरेटर है उसमें एक कैथेटर डालते हैं जिसमें से हम डाई इंजेक्ट कर सकते हैं। जो डाई अपन IVP में इंजेक्ट कर रहे हैं उसी तरीके का डाई वो यूरेटर में से अपन किडनी में डालते हैं अंदर से, और फिर ये किडनी फिर अपने को एक्सरे में दिखती है। एक्सरे का एक मशीन रहता है OT में, तो एक्सरे पे हमें किडनी दिखती है और एक्सरे गाइडेंस के अंदर हम किडनी पंक्चर करते हैं और किडनी के अंदर एक मार्ग बनाते हैं, जिसमें से जो मार्ग में से हम दूरबीन डाल के स्टोन के टुकड़े करके वो टुकड़े एक चिमटे से बाहर निकाल लेते हैं। मतलब जिस दूरबीन को हमने अंदर डाला है उसी दूरबीन चिमटे से हम उसको बाहर निकाल लें जी। हार्डली ये जो पेन है, ये जो पेन दिख रहा है इस साइज की दूरबीन होती है, और ये दूरबीन से हम स्टोन के टुकड़े करके वो चिमटे से बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर इसमें पेशेंट के लिए यानी उसे कितने दिन रुकना होता है या उसको क्या प्रिकॉशंस लेनी होती हैं? जो किडनी स्टोन का जो सर्जरी है जिसको अपन PCNL बोलते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, इसमें पेशेंट टोटल 3 या 4 दिन हॉस्पिटल में रुकता है। और जो पुराने समय में होता था पूरा चीरा देके जब उसको किया जाता था, जो ओपन सर्जरी होती थी जी, तो अभी उसकी अवस्था क्या क्या पोजीशन है और उसका इसमें क्या फ़र्क है? आज की तारीख में मैं ये कहूँगा कि ओपन सर्जरी की ज़रूरत बहुत ही रेयरली लगती है। मैं ये बोलूँगा कि 100 में से 1 पेशेंट में ही ओपन सर्जरी कभी कभार लगती है। ओपन सर्जरी का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ओपन सर्जरी में बहुत बड़ा एक इंसिजन लगता है, चीरा लेना पड़ता है, उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो सर्जरी भी बहुत बड़ी हो जाती है, पेशेंट की रिकवरी जो है उसमें टाइम लगता है, उसमें पेशेंट को दर्द भी काफ़ी ज़्यादा होता है। पेशेंट को 8-10 दिन हॉस्पिटल में रुक के उसका
काम पे वापस जाने के लिए भी उसको समय लग जाता है। ये सब डिसएडवांटेजेस जो है ये दूरबीन की शस्त्रक्रिया में अवॉइड होते हैं। दूसरी चीज जो इंसिजन की वजह से वो दिखने के लिए भी बाद में बहुत बुरा दिखता है, जो दूरबीन की शस्त्रक्रिया है इसमें पेशेंट तुरंत दूसरे दिन चलता फिरता होता है, उसको दर्द नहीं होता है और वो जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है वही दिन वो अपने काम को लग सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। इस ट्रीटमेंट को अपन मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। जो भी ट्रीटमेंट आजकल अपन यूज़ करते हैं इसको अपन मिनिमली इन्वेजिव बोलते हैं। मिनिमली इन्वेजिव मतलब पेशेंट को कम से कम ट्रीटमेंट का तकलीफ होता है। दूरबीन की शस्त्रक्रिया में पेन रिकवरी पेशेंट का इतना फास्ट है कि पेशेंट तुरंत अपने काम को लग सकता है। ये सबसे मेन एडवांटेज है दूरबीन की शस्त्रक्रिया का। तो सर आपने बताया कि जिस तरह से अगर किडनी में हो तो उसका आपने बताया, पर मान लीजिए स्टोन अगर नीचे यूरेटर में हो या ब्लैडर में हो तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? अगर ये यूरेटर में हो तो बेसिकली ये चित्र में मैंने दिखाया है, यूरेटर की एक अलग दूरबीन होती है। हार्डली ये जो पेन का जो रिफिल है ये रिफिल के साइज़ की एक दूरबीन होती है। तो वो दूरबीन अपन जो यूरेथ्रा है मतलब जो पेशाब का जो मार्ग जहाँ से अपन यूरिन करते हैं वो मार्ग में से अपन दूरबीन डाल के ये दूरबीन यूरेटर में अपन डालते हैं और स्टोन फिर उसके टुकड़े करके, एक मशीन आती है जो अपन उससे स्टोन के टुकड़े कर सकते हैं, वो टुकड़े होने के बाद में अपन चिमटे से वो टुकड़े निकाल लेते हैं। और अगर स्टोन ब्लैडर में है, अगर मतलब पेशाब की थैली में है, तो वापस इसका साइज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो 3 सेंटीमीटर के नीचे है तो पेशाब का जो मार्ग है यूरेथ्रा जहाँ से पेशाब होती है वहीं से अपन दूरबीन, एक बड़ी दूरबीन डाल के ये स्टोन टुकड़े करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो 3 सेंटीमीटर के ऊपर है तो फिर ये शस्त्रक्रिया को काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए फिर पेशाब के मार्ग से करना वो उचित नहीं है। तो अपन जो पेट का जो निचला भाग है जिसको अपन सुपरपिपिक एरिया बोलते हैं उसमें से अपन एक छेद करके ब्लैडर में अपन एक छेद करते हैं और वो रास्ता जैसा अपन किडनी के लिए जो रास्ता बनाते हैं किडनी शस्त्रक्रिया के लिए उसी तरीके से एक रास्ता बना के स्टोन दूरबीन वो रास्ते से डाल के स्टोन के टुकड़े करके टुकड़े निकाल लेते हैं। ये दोनों ट्रीटमेंट मिनिमली इन्वेजिव है मतलब इसमें टाका चीरा आता नहीं है, इसमें पेशेंट वापस तुरंत अपने काम को लग सकता है। तो दर्शकों एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि और सर्जरी जिसमें मरीज को कम से कम तकलीफ होती है, कोई एनेस्थेशिया सूंघने की जरूरत नहीं होती है और आज के इस वर्तमान युग में जहाँ काम बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह की सर्जरी जिसकी चर्चा डॉक्टर विक्रम जी देशमुख ने की है और हमें बहुत प्रसन्नता होती है, हम अपने आप को बड़ा लकी मानते हैं कि ये सब प्रोसीजर्स हमारे शहर में डॉक्टर साहब के यहाँ होती हैं। जी बिल्कुल, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा है कि जिस चीज़ों के लिए हमें नागपुर या अन्य सिटीज़ में जाना होता था अब ये हमारे शहर में उपलब्ध है। दर्शकों हमारे साथ बने रहिए, एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा पथरी पर चल रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर विक्रम जी देशमुख।